आपके साथ मैं सुनीता यादव। भले केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों को हित में होने के लाख दावे करे, लेकिन प्रदेश के जनपद खुर्जा में परेशान किसान 18 महीने से चल रहे धरने पे थे। पुलिस बल की मदद से प्रशासन ने किसानों को हिरासत में लेकर जिला मुख्यालय भेज दिया। पुलिस ने किसानों में शामिल महिला और पुरुषों को अनरिया क्षेत्र से लाकर पुलिस लाइन में लाकर बंद कर दिया। हिरासत में ली गई एक महिला किसान इस दौरान बेहोश हो गई, जिसको जिला अस्पताल भेजा गया। प्रशासन का कहना है कि कुछ किसान बड़े हुए मुआवजों की मांग कर रहे हैं। इस जमीन पर THDC द्वारा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना प्रस्तावित है। मेरा नाम अर्जुन सिंह है जी। क्या मामला है, कहाँ धरना चल रहा है? ये धरना हमारा चल रहा है जी, इसके THDC के काम पर, और हमने 8 दिन से इसे रोक रखा है, और चामड़ पे हमारा धरना रखा हुआ है करीबन 16 महीने से। अच्छा। और इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 731 रुपए आप ले लो और आपको हम 4 गुना देंगे। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है जी कि हमारे धोखे से आकर हमारे कुछ लोग, जहाँ पर करीबन 80-90 लोग थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया है और उन्हें ले जाया चुकी है पुलिस। अब जेल ले गई है या पुलिस लाइन ले गई है ये हमें मालूम नहीं। महिलाएं भी शामिल हैं? हाँ जी, महिला भी है उसमें, 40 महिला के करीब है। प्राइवेट गाड़ी और प्राइवेट गाड़ियों में लेके गए। अब क्या आश्वासन मिल रहा है? अब ये कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, हमें आश्वासन ये दे रहे हैं कि यदि आप काम रोकोगे तो आपके साथ हाथापाई होगी और आपके साथ कुछ भी करने को हम सक्षम हैं। आपका विमलेश देवी। THDC पे धरना चल रहा है ग्रामीणों का, क्या मामला है? मामला ये भैया, हमारे 5 गांव की जमीन गई भैया, हमें हमारे लिए पैसा नहीं मिला है, हमारे खेत इनके कब्जे में हो गए तो, और हम 18 महीने से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारे लिए कुछ नहीं ने समाधान करा है, और हम अब 9 दिन से यहाँ काम होने रोक रखा है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा सारा प्रशासन आ गया है, इन लोगों ने हमारे कुछ आदमी 50 करीब लोग हैं और लेडीज भी हैं, हमारी माता बहना है वो भी, उनको लिए पकड़ ले गए, और हम बाकी जो यहाँ खड़े हैं उन हमारे साथ में भी खेचातानी कर रहे हैं। कोई वहाँ पकड़ के ले जाता है, कोई किधर को भी ढकेल देता है, कोई किधर को भी ढकेल देता है, हमारे साथ में भी बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। गाड़ी लगा रखी है और काम इन लोगों ने जंगरे से चला रखा है, और हम बहुत परेशान हैं, हमारे बाल बच्चे भी रोते हैं, हम बताओ क्या करें, हमारे आदमी भी नहीं। तो मुआवजे को लेकर क्या आश्वासन मिला आपको? मुआवजे को लेकर के भैया हमारा गया, हमारे लिए तो कछु ही ना मिलो, हम सब भूखे पेट बैठे हैं, यहाँ मैया बहना हमारे सब बच्चे रोते हैं हमारे घर में, और हमें ये लोग एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं और यहाँ से हमें लतार रहे हैं। बताओ, हमें 2 साल है कि हमारी जमीन को छूटे हुए, हमारे पशु मर रहे हैं भूखे, बालक मर रहे हैं, बच्चे कुआरे डोल रहे हैं शादी शुदा के लिए, बताओ क्या होना चाहिए। हम बैठे हैं तो हमको ये भगा रहे हैं यहाँ से, हम भूखे प्यासे बैठे हैं, हम 9 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ धूप ताप में बैठे हैं, हमको आप देखें तो सही आ करके, हमारे यहाँ छाया की व्यवस्था नहीं है कुछ भी। इनका भुगतान भी हो चुका है, इसमें कुछ 240 किसान ऐसे हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है, और एक बार इसमें न्यायालय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उसके निस्तारण तक वो अभी 80 किसानों का जो भुगतान है वितरण लंबित है। इन लोगों ने काम वहाँ पर किया था, उनको समझाया बुझाया गया, तो प्रतीकात्मक गिरफ्तारी देने के लिए आया था, लेकिन उनको रिलीज कर दिया गया, समझा बुझा दिया गया किसानों को, ताकि वो नेशनल प्रोजेक्ट है, सरकारी प्राथमिकता का है, राष्ट्रीय महापेरी परियोजना है, यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लग रहा है, उसमें गतिरोध ना आए, उसका निर्माण समय से पूरा हो सके, इसके लिए उनको समझा दिया गया। अवशेष के भुगतान के लिए हम यथाशीघ्र प्रयास कर रहे हैं उनका भुगतान। कितने लोग किसान आए थे जो गिरफ्तारी देने के लिए? गिरफ्तारी लगभग 100-150 किसान थे, और सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से समझाने के काम चल रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट।